आज ये बाइक ट्यून भी करवाना था। चीज़ इस तरह के जी यूज़ में टायर अभी मिला है क्योंकि कल परसों ऑटो शो है, मैंने बस जल्दी जल्दी में अरेंज करवाया है। बहुत ही बुरे तरीके से मरम्मत हुई है। अब वो क्यों हुई है, टायर फटा है, इतने बुरे तरीके से हो रहा है ट्यून। ठीक है, बाइक एंटी लैग वगैरह लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी भैया, क्या हाल चाल है सब भैया का? ठीक है सब भाई। से जिस तरह के हैं कि आजकल कोई समझ नहीं लग रही कि कहाँ से व्लॉग शुरू हो रहे हैं, कहाँ से व्लॉग एंड हो रहे हैं, ये वाला व्लॉग किस टाइम अपलोड करना है। लेकिन मैं बस डाल ही जा रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि कुछ काम थे तो वो साथ साथ करवा रहे हैं और साथ साथ व्लॉग की कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन हो गई है। अब आज जो मिशन है वो है ड्रैगनाइट का जो बैक टायर है। लास्ट व्लॉग में ये काम रह गया था, ठीक है, इसका बैक टायर चेंज करना है। चेंज अब देखते हैं, उधर एक है बंदा, उसके पास एक टायर पड़ा हुआ है लेकिन उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी मेरे ख्याल में, वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ 120/90/18 जो आता है। इसको CB150 का रिम साइज़ है 18 है, तो इस वजह से 120/90/18, लेकिन उसके पास मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है 120/90/17। अब ये चीज़ चेक करनी है वहाँ पर जा क्योंकि इस तरह होता है अक्सर कि जब आप रिम साइज़ के हिसाब से छोटा टायर लगाते हो ना, वो फिर टायर थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। समझ लें अब 120/90/17 है ना, वो तो वो समझ लें हो जाएगा 110/90/17, उसकी शेप इस तरह की लगेगी। ये जो डिटेल्स है ना, ये मैं बाकी आपको वहाँ चल कर समझाता हूँ। दूसरा आज पार्सल डिलीवर करवाने हैं, एग्जॉस्ट है, हेलमेट है, मड गार्ड है और एक दो चीज़ें हैं पार्सल। ये जो काम रात को हम करवा के आए हैं ना, खास तौर पे ये जो बटन है ना, ये बहुत मज़े का चलता है। इसको जब आप प्रेस करो तब इस बटन की क्वालिटी पता चल जाती है। फ्रंट लाइट पे, फ्रंट लाइट की भी आपको एक बार लुक चेक करवा देते हैं सुबह के टाइम। ये चेक करो, ओह यार ये लुक भी है। और उसके साथ मैंने इंडिकेटर्स पे दूसरा गोल्डन किया हुआ है। बहरहाल अब शशके वगैरह आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा एक और काम था मुझे याद आया, आज ये बाइक ट्यून भी करवाना था। एग्जॉस्ट बैंड पाइप तो आ चुका है, एग्जॉस्ट अभी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ट्यून मैंने अभी करवाना है क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं और परसों ऑटो शो है। ठीक है, आज ट्यून करवाना है, फिर देखते हैं अगर कल रिसीव हो गया एग्जॉस्ट तो फिर कल जो है ना इसे एग्जॉस्ट लगा लेंगे। ट्यून बाइक ऑलरेडी हुआ होगा तो ये वो भी देखते हैं, काम आज कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अब निकलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपको वहाँ पे। सीबी लेने के बाद बाकी सब बातों को तो रखो ना साइड पे। जो इसकी टेलें हैं ना CB150 की, जो इसकी टेल है इतना मज़ा करवाती है ना, एकदम आप थ्रॉटल दो और टेल मारता है। अब जा रहा हूँ आगे, टायर शायर जो है ना वो कुछ अरेंज करने के लिए, क्योंकि CB का जो टायर है वो सेकेंड हैंड में ढूंढ रहा हूँ अच्छी क्वालिटी में। 120 या 130/90/18 हो जाए, 130 तो शायद वाली बात है लगे, लेकिन 120 का मुझे कंफर्म है लग जाएगा। यूज़ में टायर अभी मिला है क्योंकि कल परसों ऑटो शो है, मैंने बस जल्दी जल्दी में अरेंज करवाया है। अरेंज हुआ है जल्दी जल्दी में टायर, बस देखना ना टायर खोलते जोड़ते ना रिम को स्क्रैच ना आए, ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। अब ये टायर उतार के ये वाला लगाना है। ये इसकी आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 130/90/18 बन रहा है। बहुत मोटा टायर है ये फ़र्क चेक करें खाली आप, कितना फ़र्क है टायर में, ये चक्कर है। और देखते हैं लगता है तो कैसे लगता है। ये ट्यूब के साथ लगेगा या ट्यूबलेस? ट्यूब के साथ लगेगा, ट्यूब के साथ लगेगा। पैटर्न वैसे जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा था, कि जो मैंने पैटर्न ढूंढा है जो नया टायर था 130/90/18 में, वो मुझे मिल रहा था तकरीबन समझ ले कोई 20,000 के लगभग। पैटर्न वो बहुत मज़े का था, तो फिर मैंने कहा नहीं यार इतना वारा नहीं खाता, फ़ायदा नहीं है, 20,000 का टायर वही यूज़ में देख लेते हैं कोई। तो रुको जरा सब्र करो, तो ये फिर मैंने देखा है। अब पैटर्न बस गुजारा कर रहा है, यार मोटा टायर तो होगा ना, तो ये चक्कर है। बाकी तैयारी वगैरह कंप्लीट है, इंशाल्लाह फाइनल स्टेज पे आएगा ना जब, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई कोई CB मॉडिफाई हुआ है। CB का जो टायर रिम साइज़ है ना वो 18 है, लेकिन जो 17 में मिल रहे थे ना मुझे टायर, वो बहुत लेवल के टायर थे, लेकिन वो फिर 17 ज़ाहिर है टायर इसके ऊपर चढ़ता नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो 18 का बड़ी मुश्किल से फिर ढूंढा है फैट टायर। यहाँ पे लाहौर वाली साइड पे तो इजीली मिल जाते हैं मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है यूज़ में। अब सेटिंग कर रहे हैं ज़रा वाश फुल करके। इसके बाद मैंने जाना है बाइक ट्यून करने के लिए, ठीक है। ट्यून का मैं आपको ये बता रहा था ना कार में डिटेल्स कि एग्जॉस्ट अभी नहीं लगा, एग्जॉस्ट का लाना है, लेकिन ट्यून में आज करवा लेता हूँ। जब एग्जॉस्ट लगेगा तो तब पटाखे चलते रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जब तक एग्जॉस्ट मुझे रिसीव होता है तो इंशाल्लाह उससे पहले ट्यून करवा लेते हैं, टाइम बचाते हैं। टाइम जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मामलात इस तरह के हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से मौत हुई है। अब वो क्यों हुई है? ये जो टायर है इसमें हवा भाई ने मेरे ख्याल में ज़्यादा कर दी थी, 130 मेरे ख्याल में पॉइंट कर दी थी, और टायर फटा है इतने बुरे तरीके से। अब अलाइनमेंट बिठाने के चक्कर में टायर वो जो है बहुत बुरे तरीके से फट चुका है। आप देखते हैं, बस वो लास्ट की ऑप्शन था। वैसे आप देखते हो ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस पर नज़र में था, उसके पास चलता हूँ, उससे पकड़ लेता हूँ। इंतहाई हैवी किस्म की मोए होने के बाद अभी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पुराना टायर वापस फिट हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि क्या मामलात किए जाएँ। अच्छा जी, ये अभी मैं आपका स्टिकर प्लेनेट स्टिकर वगैरह निकलवा रहा हूँ, ये लड़कों को स्टिकर देने हैं। और ये ड्रैगनाइट के जो बैग पे आप देख रहे हैं, ये हेलमेट पड़ा हुआ है जो डिलीवर करवाना है, पार्सल करवाना है। उसके बाद अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल टायर पिक करने के लिए। जो मार्केट प्लेस पर लड़का है उससे रब्ता किया है, तो देखता हूँ उसी से ले लेता हूँ। चेंज इस तरह के हैं जी। आगे इधर इस्बात भाई की शॉप पे चेक करें, इस्बात भाई का जो शेल्बी है वो कंप्लीट हो चुका है। वाइट रिम जो है ना हाथ तो बहुत प्यारे इस पर लग रहे हैं। अगर यहाँ पे आए तो हो रहा है ट्यून, ठीक है, बाइक एंटी लैग वगैरह लग रहा है। वही जो आपको सीन बताया कि कल एग्जॉस्ट लगा लेंगे, तो वो एग्जॉस्ट कल इंशाल्लाह इंस्टॉल करके। बाकी सुनने में आ रही है कि 660 सीसी से नीचे बाइक अलाउ नहीं है एचएससी पे, ये देखते हैं। अगर तो ये सीन हुआ फिर हमें अपना ही ऑटो शो करना पड़ेगा या फिर राइड वगैरह पे निकलना पड़ेगा। अभी कुछ ट्राई किया है, ट्यून तो हो गया बाइक, लेकिन कार्बोरेटर का मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है। वो देखते हैं अभी क्या सीन है कार्बोरेटर का। बाइक्स वगैरह खड़े हैं। अब शो की तो अपडेट यही आई है कि सुपर बाइक खाली अलाउ हैं, बाकी कोई नहीं। 660 सीसी के नीचे बाइक अलाउ नहीं है। ट्यून वगैरह हो चुका है, ऑल डन हो चुका है, ठीक है। अब बस ये स्लो थोड़ी सी इसकी कम हुई थी तो वो ज़रा तेज़ कर रहे हैं। दूसरा, अब इसका बैक टायर जो है वो जो मार्केट प्लेस पे देखा था वो लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये लड़का है जी अब्बासी, इसको ज़्यादा पता है टायर शायर का, तो इस वजह से इसको लेके जा रहा हूँ साथ। वो टायर पकड़ते हैं, देखते हैं किस कंडीशन में है। अभी आ गया जी इस्बात भाई की तरफ से हो के, क्योंकि जो टायर था आपको बताया था वो पिक करना है। अभी त्रामणी गाँव है, यहाँ पर आए हैं, ठीक है। भाई को कॉल की है, बाकी ट्यून श्यून हो चुका है, ठीक है। ये बटन लग चुका है, साथ ही टायरों वाला फिट करवा देंगे यहाँ से। अभी ये भाई आए हैं, ये वाला टायर जो ऑनलाइन देखा था, ठीक है, ये ऑनलाइन टायर देखा था, टिम्सन का टायर है, अच्छा टायर है। ज़रा देखते हैं कितना भाई कहते हैं फाइनल इसके। बस ये टायर शायद खुल रहा है, ठीक है। इसका ये दूसरा टायर पड़ा हुआ है 120/80/18, हाँ 120/80/18 ये, ठीक है। और इसको लगा के चेक करते हैं क्या कोई तरतीब है इसकी। टिम्सन का टायर है। अब टायर प्रोफाइल मोटी है तो चेन कवर के साथ हल्का हल्का लग रहा था, वो ज़रा अलाइनमेंट करवा रहे हैं ये टायर के साथ, और चेन कवर के साथ टच ना हो। लेकिन टायर जो है ना वो बड़ी टच करवा रहा है अभी, गंदा है, जब साफ़ होगा तो बहुत हैवी लगेगा टायर। रेहान साहब भी साथ आए हैं, ये इसको छोड़ गया था, मैंने कहा चलो मैं टायर लेके आया। ये चक्कर है, पुराना वो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर मैंने सोचा है जब उतार के कि बर्न आउट मारना चाहिए था, बर्न आउट वीडियो बनानी चाहिए थी उस पर। चेक करें, ये हॉर्न वगैरह लगाए हैं हेलमेट पे, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये दूर से। ये चेक करें, डबल टेप से लगाए हैं, देखता हूँ अगर सही लगे, ठीक है, वरना मैं इनको हो सकता है उतार भी दूँ। बाइक वगैरह ट्यून करवा के आ गए थे घर, ठीक है। और अभी मैं ये जो लुक है ना नीचे टायर की, ये आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस, हल्का सा सस्पेंस है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी गंदा है ना टायर तो इतना चस नहीं करेगा। जब साफ़ करूँगा उसके बाद आपको इसकी लुक दिखाऊँगा। बताना ये था कि पार्सल वगैरह कुछ मैंने डिलीवर करवाने हैं, ठीक है, वो डिलीवर करवाने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी आपको ये बात बतानी थी कि कुछ भाई कहते हैं कि जैन भाई कैरियर उतार दो, तो कैरियर इस वजह से मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ है, जो पार्सल्स वगैरह होते हैं ये डिलीवर करवाता हूँ। तो ये साथ बांध के मैं लेके जाता हूँ, या कोई इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इस पर रख के लेके आता हूँ। लेकिन ट्राई कर लूँगा, इतना लंबा काम नहीं, खाली एक नाटी खोलना है, कैरियर खुल जाएगा। ठीक है, वो कैरियर खोल के भी चेक करेंगे किस तरह की लुक आती है, किस तरह की नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, मुझे इसके साथ लुक ज़रा मज़े, बल्कि कैरियर के साथ भी मैंने सोचा हुआ, अगर कैरियर मज़े का लगा ना तो इसके साथ भी ये मैं फनकारी खेलूँगा जो कि किसी ने भी नहीं करवाई। भाई यहाँ का चीज़ वो करेगा जो कि अभी तक किसी ने ना करवाई हो, तो वो मज़ा आएगा। पर नेक्स्ट जो चेंजिंग्स आ रही हैं, बड़ी हैवी चेंजिंग्स आ रही हैं। थोड़ा सा जल्दी में इसी वजह से लगा हुआ था कि ऑटो शो है, लेकिन ऑटो शो वाली उन्होंने गेम कर दिया बड़ी बुरे तरीके से। असल में बाइक्स उन्होंने बोला था कि सुपर बाइक्स चलाओ है हादी या ये वो है, साथ व्हाट्सएप में मैसेज आया तो मेरा फिर दिल टूट गया। मैंने कहा रहने दो यार, फिर कभी शो हुआ फिर चले जाएंगे। तो बहरहाल व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। अभी मैं पार्सल वगैरह डिलीवर करा लूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। याद रखिएगा, दुआ में बाइक को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।